कौन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस टाइम पे बर्लिन में हूँ और अभी मैं अपने होटल से निकली हूँ। आज मेरे साथ कोई भी नहीं है, आई एम ऑल अलोन। और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, आई हैव नो आइडिया। बर्लिन के बारे में मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। अभी मैं निकली हूँ अपने होटल से, कोई देख रही हूँ साइकिल वगैरह मिल जाए तो थोड़ा सा आगे पीछे एक्सप्लोर करने में आसानी होगी कि कहाँ क्या है एंड क्या नहीं है। तो अभी देखते हैं कि कहाँ क्या मिलता है और कहाँ कहाँ मैं जा सकती हूँ, कौन कहाँ कौन कौन सी जगह देखी जा सकती है। तो लेट्स सी। आई गॉट द बाइसाइकल बट आई हैव नो आइडिया कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तो मैप्स में भी कुछ बहुत करीब कुछ भी नहीं आ रहा, KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जहाँ मैं कुछ जाके खा लूँ। सो लेट्स गो ऑन बाइसाइकल एंड देखते हैं कि कहाँ क्या है। आफ्टर राइडिंग अ बाइसाइकल फॉर लाइक 2.5 किलोमीटर्स आई फाउंड अ KFC। मैकडोनल्ड्स वगैरह कुछ पास नहीं था, बर्गर किंग भी नहीं था, मैकडोनल्ड्स भी नहीं था, बस KFC मिला था। तो वैसे मुझे KFC इतना पसंद नहीं है लेकिन इस टाइम पे बहुत भूख लग रही है। तो आई केम हेयर, देखो क्या खाती हूँ क्या नहीं। द सैड पार्ट इज दैट आई ड्रॉप माई सेल्फी स्टिक समवेयर। मैंने बाइसाइकिल के आगे रखी हुई थी और जब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो वो नहीं थी। पता नहीं शायद कहीं गिर गई रास्ते में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आई गॉट दिस चिकन टैको, लेट्स ईट इट एंड देखते हैं कि ये कैसा है। और अभी मैं वापसी के लिए निकली हूँ। वापसी पे अभी तक तो मुझे कोई साइकिल नहीं मिली जिस पर मैं वापस चली जाऊँ, बट अच्छा लग रहा है वॉक करना। रास्ते में शॉप्स वगैरह आ रही हैं, अच्छी हैं, तो इसलिए वॉक कर रही हूँ, आगे चलती हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा थकना भी नहीं चाह रही बिकॉज कल मुझे फिरना है गोयलन। एक ही दिन है मेरे पास गोयलन फिरने का। अभी मेरी फ्रेंड ने भी आना है, मुझे उसको भी पिक करने जाना है। तो मैं चाह रही हूँ कि मिल ही जाए ताकि मैं चली जाऊँ जल्दी और थोड़ा सा रेस्ट करके तो फिर उसको पिक करने जाऊँ। बाकी गोयलन अगर आप लोग आएँ तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को गोयलन नॉर्थ पे, मैं आई थी गोयलन नॉर्थ पे नहीं आना चाहिए। आई गेस या तो आप लोग अपना स्टॉप गोयलन रखें, गोयलन रेलवे स्टेशन, या फिर एक और है गोयलन वेस्ट आई गेस। वो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर भी चीज़ें हैं या नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली आई गेस गोयलन रेलवे स्टेशन पे यहाँ से तो ज़्यादा ही होंगी बिकॉज वो पुराना है और सिटी के सेंटर में होगा। यहाँ पर बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत कम ऐसी शॉप्स हैं जो हम लोगों के लिए हों, बेहतर हों, जहाँ से हम कुछ खा पी सकें या कुछ भी। और आई गेस जगहें भी यहाँ से थोड़ी दूर हैं जहाँ पर हम लोगों ने जाना है। गोयलन की कौन कौन सी जगहें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। गोयलन में है एक एलिफेंट ट्रंक हिल, ट्रंक वो एलिफेंट की ट्रंक की शेप की एक हिल बनी हुई है और वो यहाँ पर फेमस है। एक रीड फ्लूट केव है वो फेमस है, और फोर लेक्स, टू रिवर फोर लेक्स करके कुछ नाम है वो यहाँ पर फेमस है। वहाँ सन एंड मून करके भी कुछ है। तो वॉक आ रही है यहाँ से स्टेशन तक की, और ज़हरा की ट्रेन में आने में शायद कोई आधा घंटा रह गया। तो अब आई डोंट नो मैं उस टाइम तक वहाँ पहुँच पाऊँगी या नहीं, बिकॉज ये तो स्टेशन तक आ रहा है ना, स्टेशन पहुँच के अराइवल ढूंढना ये वो, इट्स नॉट पाकिस्तान, बहुत बड़े स्टेशन होते हैं यहाँ के एनी वेज। और मेरे फ़ोन की चार्जिंग बिल्कुल एंड है, 3% रह गई है, पावर बैंक ख़त्म हो गया है, पता नहीं मिलता लो बैटरी क्यों चल रही हूँ। बट एनीवेज आई होप मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ वहाँ पे। दोस्तों सामने है गोयलन पर रेलवे स्टेशन, गोयलन पर मींस गोयलन नॉर्थ रेलवे स्टेशन। और ये भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये सिनेमाज हैं आई गेस अंदर लिखा हुआ तो यही है, बाकी आई डोंट नो। यहाँ भी है